आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। तिमारपुर विधानसभा के बाद इलाके में एक निजी संस्था द्वारा भाजपा के पदाधिकारियों के साथ मिलकर कोरोना महामारी की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत करीब 300 लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन किया जाएगा। वैक्सीनेशन सेंटर पर उत्तरी पूर्वी लोकसभा सांसद मनोज तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष मोहन गोयल व उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल पहुंचे और सेंटर का दौरा किया। सेंटर पर बड़ी संख्या में व्यक्ति लगवाने के लिए लोग आ रहे हैं और संस्था द्वारा लोगों को ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था के द्वारा वजीराबाद इलाके में वैक्सीनेशन सेंटर लगाया गया है। सेंटर पर करीब 300 लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए एक दिन में व्यवस्था की गई है। संस्था दिल्ली में सभी वर्ग के लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है। दिल्ली पुलिस के परिवार, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, इलाके में रहने वाले गरीब लोग, सभी को बैठकर लगाई जा रही है। साथ ही कुछ रोगियों को भी वैक्सीन लगाने का काम संस्था द्वारा किया जा रहा है। संस्था का लक्ष्य सितंबर महीने में 5,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का है और दिवाली तक 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इलाके में वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करने के लिए पहुंचे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोगों को लगवा रही है। अच्छा प्रयास है कि ज्यादा लोगों को बीमारी पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली में अभी ऐसे और कितने लोग बचे हैं जिनको वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगी है और कुछ लोग दो फोटो लगवाने के लिए भी सेंटर पर आ रहे हैं ताकि कोरोना महामारी की तीसरी लहर से पहले से जल्द वैक्सीन का काम पूरा हो जाए और लोग चपेट में आने से बच जाएं। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। सर, आज के हालातों को देखते हुए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के? ये जो आज के हालात है, जो कोरोना की वैक्सीन का जो बहुत सख्त जरूरत है, इसमें इसी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने ये जो शिविर लगाने का प्रोग्राम किया है शुरू। पिछले 2.5 महीने से हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे हैं, अलग अलग दिल्ली के अलग अलग दिल्ली NCR के अलग अलग एरियाज़ में हम लोग ये ड्राइव कर रहे हैं और ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक सपना है कि पूरे सब भारतीयों को ये वैक्सीनेशन लगे और हम उस सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। श्री मनोज तिवारी जी जो यहाँ के सांसद हैं, वो उनकी भी यही चाहत है कि हम अपने हर दिल्ली, पूरी दिल्ली में लगे, तो हम उनकी चाहत को भी पूरा करने में लगे हैं। हम ये चाहते हैं, हमारी जो संस्था है डेली एक्स फाउंडेशन और कॉस्मो फाउंडेशन, हमारी ये एक चाहत है कि हम वैक्सीनेशन को के सपने को पूरा कर सकें, अपने प्रधानमंत्री के वैक्सीनेशन के सपने को पूरा कर सकें। अगर सर बात करें, लोगों में एक भय भी रहा है कोविड को लेकर, कुछ लोग नहीं लगवा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग वैक्सीनेशन से डर रहे हैं, उनमें भय है, मैं उन तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन से बिल्कुल ना डरें। वैक्सीनेशन इस मौके की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन से किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती। मुझे 2 वैक्सीन लग चुकी हैं और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। थैंक यू। तो इससे कोई भय की ज़रूरत नहीं। सर, आज कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, क्या कहेंगे इस कैंप के लिए? जो हालात राजधानी दिल्ली में और देश में हो रखे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, आई थिंक थर्ड वेव को रोकने का और कोई तरीका नहीं है। वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एंड जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी, उतना ही थर्ड वेव को हम कंट्रोल कर पाएंगे। हर तबके के लोगों को वैक्सीन लगे, यही हमारा मिशन है, यही मोदी जी का मिशन है, यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। इसलिए हम लोग गांव-गांव, घर-घर में जाके कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन लगा सकें। हम लोगों ने लेप्रेसी कैंप में जाके भी वैक्सीन लगाई थी पीछे, मीनाक्षी लेखी जी के साथ। अभी आज मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो विलेजेस हैं, जो छोटे छोटे गांव हैं जिन तक वैक्सीन अभी तक नहीं पहुंच पाई है, उन तक पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग इतनी ज़्यादा नहीं फॉलो हो पाती। तो जितना लोग वैक्सीनेटेड रहेंगे, उतना थर्ड वेव को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट के लिए और आवाम के लिए आसानी रहेगी। सर, अगर देखा जाए जो संस्थाएं काम कर रही हैं, तमाम सरकार के डिपार्टमेंट से भी वो सोशल और तमाम अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं, तो जैसे आज ये कैंप लगाया गया है, तो क्या ये कंटिन्यू रहेगा या कुछ दिनों के लिए लगाया गया है?
सो ये कैंप जो है ये हमारा कंटिन्यू कैंप है, ये पिछले 2.5 महीने से कैंप चल रहा है, पर ये दिल्ली के अलग अलग जगहों पे मूव करता जा रहा है, क्योंकि हमारा काम ये है, हमारा मोटिव ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कवर कर सकें वो ज़रूरी है। तो हमने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से शुरू किया था, उसके बाद हमने दिल्ली पुलिस की फैमिलीज़ के लिए कैंप किए, लेप्रेसी कैंप में जा जा के लोगों को वैक्सीनेशन ड्राइव करी, साउथ दिल्ली में किए, अब आज जाके जो सर आज जो कार्यक्रम है वैक्सीनेशन का, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के? मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ एक NGO के माध्यम से, दीपक सोंदी जी के माध्यम से, और हमारे सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने तिमातुर वार्ड में ये कार्यक्रम रखा है। इससे हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, उनको घर बैठे ये सुविधा मिल रही है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। अगर बात करें इस वैक्सीनेशन को लेकर, ये कैंप लगाए थे, तो क्या ये आज के लिए रहेगा या आगे ज़रूरत पड़ेगी तो इसको कंटिन्यू करने का प्रयास किया जाएगा? हमारा पूरा प्रयास रहेगा आगे भी इस कैंप को जगह जगह इनको कार्यक्रम को करते रहें, कंटिन्यू इसको करें, जिससे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा ये इंजेक्शन लगे। वैक्सीनेट अभी किया गया है और कितनी ज़रूरत है दिल्ली और जो देहात के इलाके में? देखिए, हम लोग दिल्ली एड्स फाउंडेशन और कॉस्मो फाउंडेशन से हैं। हम लोग ये जो काम कर रहे हैं वैक्सीनेशन का, ये पूरी दिल्ली में कर रहे हैं। अब तक लगभग 3,000 लोगों को हम वैक्सीनेट करवा चुके हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे हम लोग खुद करवा रहे हैं, और ये हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि ये, और जब तीसरी वेव की बात कर रहे हैं जो आने की बात हो रही है, वो वेव आएगी ही नहीं अगर हम लोग सबको यहाँ पर वैक्सीनेट करा दें। अगर हर आदमी दिल्ली में, जो सपना है हमारा कि वैक्सीनेट हो जाए, प्रॉपर वैक्सीनेशन हो जाए, तो थर्ड वेव की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती बिल्कुल भी। तो अभी लगता है कि लोगों को प्रॉपर वैक्सीन लग गई है या कुछ लोग अभी भी अवेयर नहीं है इस बारे में? जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है वहाँ पर हम इस प्रकार के कैंप कर रहे हैं। इस प्रकार के कैंप करके लोकल लोग हमारे साथ हैं और इस तरीके की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और वहाँ पर हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मेरा नाम सागर सोंदी है, मैं दिल्ली एड्स फाउंडेशन का ट्रस्टी हूँ। जी, वैक्सीनेशन के लिए आप लोग यहाँ कैंपेन चला रहे हैं, क्या लक्ष्य रखा है संस्था ने? कितने लोगों को वैक्सीन अभी तक लग चुका है, कितने को लगाने का भी और ध्येय है? अभी तक हम तकरीबन निःशुल्क वैक्सीन लगा चुके हैं 3,000, एंड इस मंथ के एंड तक हमारा जो टारगेट है वो 5,000 करने का है, और दिवाली से पहले पहले 10,000 लोगों को निःशुल्क टीकाकरण करने का हमारा लक्ष्य है। लगता है कि जो लोग अभी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं उनको वैक्सीन नहीं किया जा रहा है पूरी तरह से, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ भी आप काम करेंगे? देखिए, हमारा जो लक्ष्य है वो हर तबके के लोगों के साथ काम करने का है। हम दिल्ली पुलिस और उनकी फैमिलीज़ को भी वैक्सीनेट कर चुके हैं, हम कुछ रोगियों को भी वैक्सीनेट कर चुके हैं। अब हम आज वजीराबाद इलाके में कोविड कैंपेन चलाया जा रहा है, किस तरह का टीकाकरण है और कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं? हमारे यहाँ पर जैसे कि देश के भावी प्रधानमंत्री जी ने जो जनता को एक फ्री वैक्सीनेशन का ड्राइव किया, वो हमारा टारगेट था कि पूरे हिंदुस्तान को भारत सरकार से जो मदद मिली थी, मगर उसमें हमारे साथ कुछ समाज सेवी संस्थाएं भी आई, उसमें दिलाइट फाउंडेशन के नाम से संस्था ने भी प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर सारे NGO इकट्ठे हुए, तो उन्होंने यहाँ पर आज हमने एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बनाया। इसमें लगभग यहाँ पर हम 150 से 200 लगभग 200 लोगों का हम यहाँ वैक्सीनेशन करेंगे। वो फाउंडेशन ने हमें एक वादा भी किया, वो फाउंडेशन लगी भी हुई है, इन्होंने कहा जितने भी लोग जो नहीं लगवा पा रहे ये उनके क्लस्टर में जाकर या ऐसी जगह जो लोग इतने अवेयर नहीं है ये उनके घरों में जाकर ये लोग बनाकर उनको वैक्सीनेट करेंगे। सर अभी और कैसे कितने ड्राइव चलाए जाएंगे संस्थाओं की तरफ से? गवर्नमेंट तो कर ही रही है, संस्थाओं की तरफ से कितने ड्राइव चलाए जाएंगे और अभी कितनी जरूरत है इस तरह की? हमारे साथ बहुत काफ़ी संस्थाएं जुड़ रही हैं और भी जुड़ रही हैं, तो संस्थाएं खुद आकर कह रही हैं कि वो ह्यूमैनिटेरियन गवर्नमेंट समाज की सेवा के लिए संस्थाएँ आगे आ रही हैं, वो खुद चाह रही हैं कि ऐसी वैक्सीनेशन हो, काफ़ी हमारे सेंटर बनेंगे। अच्छा, थर्ड वेव की भी आशंका जताई जा रही है और अभी अक्टूबर में ये बताया जा रहा है कि आएगी, तो उसको लेकर के अब नगर निगम या दिल्ली सरकार की तरफ से कितनी तैयारियां हैं? मोहन गोयल जी, दिल्ली सरकार कहती है कि हमने हर जगह वैक्सीनेशन कैंप खुलवाए हैं और हर जगह, लेकिन गांव वजह व संगम बिहार की पोस्ट से दूर है ये वैक्सीनेशन। अभी मेरे संज्ञान में आया, मैंने अभी सांसद जी के निजी सहायक होगा, सांसद जी आने वाले,
हम डीसी से बात करके जल्दी, ये बड़ा दुर्भाग्य है, वो यहाँ का विधायक कांग्रेस का है लेकिन यहाँ सेंटर नहीं है। 18 से 25 कितनी बड़ी आबादी, 50,000 से ऊपर आबादी संगम विहार वजीराबाद में रहती है और एक भी सेंटर नहीं है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। शर्म आनी चाहिए विधायक को, क्योंकि वो काम नहीं करते, वो खाली प्रचार करते और झूठ बोलते हैं। इसलिए आज संज्ञान में आया, जल्दी 2 से 3 दिन में एक सेंटर जरूर खुल, मैं तो 2 की डिमांड कर रहा हूँ, संगम विहार में एक, वजीराबाद में, जिससे 18 से 45 आयु वर्ग के लोग जिनको कोरोना का टीका लगाने के लिए तिमारपुर और मुखर्जी नगर जाना पड़ रहा है उनको न जाना पड़े, इनको टीका लगे। यहाँ पे आई हुई भीड़ को देख के लगता है कि लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं लेकिन उनकी पोस्ट से दूर है। क्या लोगों में अवेयरनेस तो है लेकिन जो सेंटर नहीं, इसलिए लोग पीड़ित हैं। लोग पूछ रहे हैं विधायक कहाँ है, मुख्यमंत्री जो झूठे वादे करते हैं कहाँ है। इसलिए मैंने विश्वास दिला रहा हूँ अगले हफ्ते तक यहाँ सेंटर खुल जाएगा। आज ही सांसद जी 1-2 मिनट में आने वाले, उनके संज्ञान में ला दिया गया है और डीसी से बात करके जल्दी है सेंटर। सर, जल भराव को लेकर आपको पता है, कांग्रेस का पार्षद है, आम आदमी पार्टी का विधायक है, झूठ बोलते हैं। लोग विधायक को ढूंढ रहे हैं, विधायक कहाँ है, गलियाँ खोद कर छोड़ दी है, नालियाँ बनने नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, झूठे पोस्टर और होल्डिंग लगाकर जनता को प्रलोभित करते। जनता इनका खेल जान चुकी है, आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। तो विधायक की तरफ से तो जो ऐसे सर्टिफिकेट जो कार्यालय खुला है वहाँ तो जनसेवा बहुत जोरों से चल रही है, उनका कहना है लोग ढूंढ। सर, ये वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया संस्था के साथ मिलकर के, कितना अभी और जरूरी थर्ड वेव को देखते हुए और कहाँ अभी क्या सलम एरिया में इसको ज़्यादा चलाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आज के लिए, हमारे जैसा आप पीछे देख रहे हैं, केलियाइट्स फाउंडेशन एंड कॉस्मो फाउंडेशन, अ कम्युनिटी आउटरीच इनिशिएटिव ऑफ कॉस्मो फिल्म्स लिमिटेड, इनके सहयोग से आज हमने अपनी लोकसभा के वजीराबाद में तिमारपुर मंडल में ये वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन लगवाया है। और यहाँ की खासियत यह है कि कोई भी आएगा, 4:00 तक चलेगा। इस मंडल में हमने पूरा अपने कार्यकर्ताओं से इसका प्रचार प्रसार भी कराया, भूषण त्यागी जी, मोहन गोयल और हमारे मेयर साहब खुद इसके प्रचार प्रसार में शामिल रहे। और हमारी कोशिश है कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए। कोरोना को भारत ने अच्छी तरह उसका चुनौती को स्वीकार किया है, ये बहुत खुशी की बात है कि हम जिस समय आपसे बात कर रहे हैं लगभग 70 करोड़ का आंकड़ा हम छूने जा रहे हैं कि देश में 70 करोड़ लोगों को वैक्सीन ऑलमोस्ट आज शाम तक। या भूषण जी, आपके द्वारा एक कैंप का आयोजन किया है, लोग बड़े खुश हैं क्योंकि उनके इस जगह पे कोई भी कैंप नहीं था, वैक्सीन बनेगा, क्या कहेंगे? मैं प्रधानमंत्री जी का, मनोज तिवारी जी का, हमारे लोकप्रिय सांसद जो समय समय पर कोरोना पीरियड में हमें हर संभव मदद करते रहे हैं और आज उनके आशीर्वाद से ही ये इस कैंप का आयोजन किया गया है, तो मैं सांसद मनोज तिवारी जी का और प्रधानमंत्री जी का और हमारे जो ये डॉक्टर की टीम आई हुई है, डॉक्टर दीपक सोंधी जी का, इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे क्षेत्र की जनता को इसका फ़ायदा मिल रहा है। लोगों की भी कई बार शिकायत देखी गई है, विपक्ष कहता है कि सांसद मनोज तिवारी इस क्षेत्र से सौतेला व्यवहार करते हैं, क्या जवाब है? ये तो लोगों का काम है कहना, मैं समझता हूँ कि सांसद साहब ने आज यहाँ 4th कैंप इस तरह का लगाया है, पहले सैनिटाइजर और दवाइयों का कैंप लगाया है, उसके बाद में यहाँ राशन किट बांटने का कैंप लगाया है और आज ये 3rd कैंप जो है यहाँ वैक्सीनेशन का कैंप लगा है। तो समय समय पर मैं समझता हूँ एक इस वार्ड में कम से कम भी वो 5 या 6 बार इस तो पिछले 3-4 महीनों में आ चुके हैं और हम लोग भी जनता से जुड़े रहते हैं, जितना हो सकता है हम पूरी मदद करते हैं। क्षेत्र में जल भराव की समस्या है, आपको भी ज्ञात है, निगम पार्षद अपनी तारीफ करती है, विधायक अपनी तारीफ करती है, लेकिन लोग परेशान हैं। मेरा मानना यह है, मैं इस गांव का बहुत पुराना बाशिंदा हूं और मैं उस पानी की समस्या को समझता हूं और सच्चाई यह है कि जैसे जैसे जमुना उफान पर आती है तो इस जमीन, यहाँ की ज़मीन में पानी ऑटोमेटिक ऊपर आता है और जैसे जैसे जमुना नीचे जाती है और पानी जो है अपने आप ही नीचे चला जाता है। पानी की समस्या जो है, पानी का लेवल जो है वो जमुना के स्तर से बढ़ता और घटता है, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। तो 7 करोड़ की नाली निकासी का एक काम शुरू होने वाला है जो एमसीडी को करना है,
निगम पार्षद की और विधायक की श्रेय लेना चाहते हैं इस कार्य का, आप किसको श्रेय दे रहे हैं? मैं समझता हूँ सिरे का मतलब नहीं है, जनता को फ़ायदा मिलना चाहिए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत दुख होता है, हर गली में हर सड़क में पानी भरा पड़ा है। तो मैं समझता हूँ, मैं तो निगम पार्षद का भी धन्यवाद करूँगा, मैं विधायक का भी धन्यवाद करूँगा, कम से कम वो लोगों की समस्याओं को सुलझाएं, यहाँ की जो समस्या है उसको दूर करें। तो जल्दी मेयर साहब का दौरा होने जा रहा है क्षेत्र में जल भरा समस्या पे, तो क्या कुछ संभव हो सकता है? मैं समझता हूँ मेयर साहब से हमने इस बारे में काफ़ी बातचीत की, अभी भी उनसे यही बात हो रही थी, और वो जो भी यहाँ समस्या हैं जिस तरह का MCD के द्वारा जो भी काम हो सकते हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूरा कराऊंगा इसको। तो इस कोरोना केंद्र में जो लगाया गया क्या आगे भी ऐसा लगाया गया, ये कोरोना जो वैक्सीन केंद्र है आगे भी लगेगा? मैं हमारी पूरी उम्मीद है यहाँ लगे, तिमारपुर में लगे, झुग्गी बस्तियों का इसका लाभ मिले। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।